मेरे हाथ में मेरा 2 साल का बेटा था, वो तो मैंने छोड़ा ही नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे हाथ में क्या है, पर वो मेरा उसका टी शर्ट मेरे हाथ में ही रह गया। तो मैंने पानी में से उसे निकाला ना, तो वो मेरे हाथ में लाश बनकर रह गया था सर। जनज्वार की टीम आज मोरबी के मीरा परिवार के घर आई है। इन्होंने अपने परिवार के कई लोगों को घुमाया है, जानते हैं उनकी स्थिति क्या है। हालांकि हम समझ सकते हैं उनकी स्थिति क्या हो सकती है, लेकिन फिर भी जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा। आपका नाम? मेरा नाम यास्मीन इमरान अली सैयद। यास्मीन जी, क्या उस दिन घटना घटी आप लोग? हम तो सगाई में आए थे और हमारी मम्मी के घर हम वेकेशन करने आए थे, और हमारी मामा की लड़की और मासी और सब हम गए घूमने झूलतापुर। विश्वास था हमें झूलता पुल पर कि हम चले गए तो कुछ नहीं होगा। ये 2 रुपये टिकट थी, तब नहीं पड़ा तो ये 17 रुपये में क्यों पड़ा ये? कितने लोग आप गए? हम 35-36 लोग थे। कितने लोगों को गवाया आपने? हमने 6 लोगों को गवाया और 3 तो घायल है अभी। 6 लोगों तो क्या आप अभी तंत्र से क्या चाहते हैं? हम तंत्र हैं, गुनेगार तो ये कंपनी वाले ही है, और क्या नाम है उसका, ओरेवा, और ये टिकट वाले का ये दोष देते हैं, और ये सिक्योरिटी का, तो इनका क्या दोष है? ये तो पगार लेके छूट जाते हैं, तो ये कंपनी वाला का वो हाँ उसको या, और ये घर वाले को तुम ये न्याय दियो। मेरा सब कैसे आपके अनुभव रहे, कितने लोगों को आपने घुमाया? हमने 6 लोगों को, 2 मेरी बहना, 2 भांजी, 1 भांजा, 1 मेरी खुद की लड़की। क्या आप तंत्र से डिमांड करें? बस उसको सीधा सजा मिलने जाए, जो पुल का रिपेयरिंग कराना उसको सजा मिले। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो बड़े सर रसूखदार लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। हाँ, बचाया जा रहा है, अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुआ, 4 दिन हो गया। बराबर कही है उसका। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुरैशी फरहीन राहिल भाई है, मैं वाकानेर की रहने वाली हूँ। मैं मेरी बहन की सगाई थी तो मैं वहाँ पे आई थी। फिर क्या हादसा? तो शाम को हमने सबने सोचा कि चलो कहीं घूमने जाते हैं, तो हमारे मोरबी में तो ये फेमस है झूलता पुल, तो बच्चों को हमने बोला कि चलो हम अपने आपको सबको झूलता पुल दिखाते हैं। तो बच्चे भी खुश हो गए कि मम्मा हम झूलता पुल पे जाएंगे, तो हमने बोला कि हाँ चलो। तो हम साथ साथ हमारे साथ हमारे परिवार के 35-36 लोग हम हंसी खुशी से साथ गए थे। फिर हमने टिकट कटाई तो वहाँ पे है ना इतनी सारी भीड़ थी ना, तो हमें इतना विश्वास था कि चलो हम जाते हैं तो कुछ नहीं होगा। बड़ी कंपनी ये तो, ओरेवा कंपनी का तो विदेश में भी नाम है, इसने अभी ही बनाया है तो कितना अच्छा बनाया होगा। तो हम देखने के लिए इतने उत्साहित थे ना कि हमें कुछ नहीं सोचा। हमें भीड़ थी तो भी अच्छा लगने लगा कि चलो हम जाते हैं। फिर हम बीच में पहुँचे, सभी लोग बोल रहे थे कि देखो तो कितनी भीड़ है, ये गिरेगा तो क्या हाल होगा। तो सब ऐसे मन को दिलासा दे रहे थे कि नहीं नहीं, तो ओरेवा कंपनी ने बनाया है, अच्छे कंपनी ने बनाया है, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बीच में पहुँचे तो हमने ऐसे गिरा है ना सर कि हम उसका बयान हम नहीं कर सकते। आप किस तरह से बच पाए? हमारा तो एक ही सहारा था, वो है ऊपर वाला। मेरे हाथ में मेरे 2 साल का बेटा था, वो तो मैंने छोड़ा ही नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे हाथ में क्या है, पर वो मेरा उसका टी शर्ट मेरे हाथ में ही रह गया। तो मैंने पानी में से उसे निकाला ना, तो वो मेरे हाथ में लाश बनकर रह गया था सर। कि मुझे लगा कि मैं मेरे बेटे को कभी जिंदा नहीं देखूंगी। वो मेरी 1-7 साल की बेटी है, मेरे पास से उसका एक सैंडल ऐसे तर के जा रहा था। मैंने देखा मेरी बेटी कहाँ गई, तो वो किसी के खंभे पे बैठी हुई थी, बोल रही थी मम्मा मम्मा, ऐसे मुझे चिल्ला रही थी। फिर मैंने दूसरी ओर देखा तो मेरी बहन है, मेरी भाभी, वो सब मुझे दिखे। फिर है ना हमारे साथ मेरे फिर चाचा की लड़की, जिस ये है ना मेरे चाचा, उसकी बेटी, उसकी 15 दिन के बाद सगाई थी। हम ऐसे हंसी खुशी के साथ, हमने सोचा था कि सगाई में हम ऐसा ऐसा सब कुछ करेंगे।
क्या हमें तंत्र से न्याय चाहिए। अभी तक सर मोदी जी आने वाले थे तो देखो मोरबी में इतनी साफ सफाई हो रही थी, मोरबी में इतनी सारी मैयतें जैसे डेथ हो गई थी, तो मोरबी के पूरी सिविल हॉस्पिटल को देखो ऐसे दुल्हन की तरह कलर लगा रहे थे कि ये जे लोगो मर चुके हैं उसके खुशी में आप कलर लगा रहे थे कि मोदी जी आए उसकी खुशी में आप कलर लगा रहे थे। ये जो आपके जो गांव से ऊपर नमक का काम किया, हाँ वो नमक से भी ज्यादा एसिड का काम किया है ये सरकार है ने, उसने हमारे दिल पर एसिड लगाया है। क्या आप हमारी ये डिमांड है सर, हम तो चाहते हैं ये जयसुख पटेल को आप हाजिर करो या तो फिर आप पब्लिक के साथ ही छोड़ दो, पब्लिक के हवाले छोड़ दो और आप सब अच्छे लोग हो, आप हमारे दुख दर्द को समझने आ रहे हो। आप वो जयसुख पटेल क्यों नहीं आ रहा कि मेरी गलती हुई है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्या आप मेरी वजह से आपका कोई परिवार का लोग गुजर गया है। मेरा नाम अफरोजा है, बशीर भाई कुरैशी। क्या आपके साथ पूरी जो घटना बनी तो कैसा अभी आपकी मानसिक स्थिति है, कैसे है? अब हम मेरे को कुछ समझ नहीं है। मैं हमारे साथ इतनी घटना हुई ना, मेरे को जब गिर गए तब मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं गिर गई। मैं जब गिरी फिर बाहर आई ना तब मेरे दिमाग में आया कि मैं सच में पुल टूट गया है और मैं सच में गिर गई हूँ। ऐसे कितनी बार मैं डूब गई ऊपर आई, लोगों के चीखे आवाजें बहुत आ रही थी। फिर हम एक भाई था रस्सी, मैंने फिर मैं बाहर निकली ना तो मैंने रस्सी देखी तो सब रस्सी पे टिंगा रहे थे। फिर एक भाई जा रहा था रस्सी को खींचने तो मैं भाई का मैंने टी शर्ट पकड़ा तो भाई ने मेरे पीछे से मेरे बाल खींचे तो मैंने भाई को बोला भाई आप मेरे को मारना चाहते हो, मैं रस्सी पकड़ लूँगी तो मैं आपको मेरा हाथ में या कुछ सहारा मैं दूंगी तो आप मेरे पास रस्सी पास के आ जाना। फिर भाई ने मेरा बाल छोड़ दिया, फिर मैंने रस्सी के ऊपर आ गई। हमने आधा घंटे से ज़्यादा गुजारा फिर भी कोई हमारी मदद करने नहीं आया। हम चीख चिल्ला रहे थे कि हमें कोई बचा लो, कोई नहीं आ रहा था। फिर तैरने वाले आए, हाँ स्थानिक लोग वो आए, सब लोग हमें बचाने, मतलब तो, जो अगल बगल के लोग थे वो बचाने आए थे या नगर पालिका वाले? नहीं, नगर पालिका वाले नहीं आए थे, स्थानिक लोग आए थे। पुलिस हमें तो सब मदद के लिए आ रहे थे ना तो एक पुलिस वाला हमें नजर नहीं आया, हमें बचाने कोई भी नहीं आया, सब लग गया था, सब कंधे पे रख कर हमें ले जा रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा बच्चा? मेरा मोहिन महबूब भाई। मोहिन तुम झूलते पुल पे गए थे तो क्या हादसा हो गया आपके साथ? हम तो गए थे झूला रहे थे तो झूला था तो हम तो गिर गए पानी में। फिर किसने बचाया आपको? किसी को नहीं, मैं आप ही आप बचा। रस्सी हाथ में आ गई थी या कैसे, मतलब तुम पानी? रस्सी। छत्री लोग નાના છોકરાઓ ઘણા બધા જતા રહ્યા, તારા બધા જતા રહ્યા, તારા ભાઈઓ જતા રહ્યા, કેવું લાગે છે તને? લાગે તો ખરે જ ને, છોડો ફટાફટ 2-3 મિનિટ મેં પહોંચ ગયા, બાદ મેં સબ જાલી પે લટક રહે થે, મેં દોડ કે સીધા અંદર જાલી પકડ કે સીધા નીચે ઉતર ગયા। बाद में मेरा फैमिली तो वहीं कहीं मेरे को दिखा नहीं, पर बाद में दो बहुत लोग वहाँ से चिल्ला रहा था। बाद में उसको बच्चे को छोटे छोटे बच्चे को मैं निकाला और सब औरतों बच्चे को सबको निकाल के हाथ से खींच के ऊपर चढ़ाया सबको। आपके परिवार के लोगों को भी बचाया? और परिवार के लोगों को, मेरे परिवार के लोग वहाँ मेरे को दिखा ही नहीं, दूसरे लोग थे, मेरे परिवार के लोग सब सामने थे, वो मेरे को पता नहीं था कहाँ है, मैं तो वैसे ही सीधा कूद गया जाके। कितने लोगों को आपने बचाया होगा करीब? वो मैंने गिना नहीं है, बचाया इतना मालूम है।
शाहरुख भाई, आपको ऐसा नहीं लगा कि पहले मैं मेरे परिवार को ढूंढूं और मेरे को ऐसा लगा, इसलिए मैं पहला कूद गया, हमें चिल्लाया, मेरे को कोई आवाज़ नहीं दिया परिवार ने। बाद में वहाँ जो गिर गया था, सब बच्चा बच्चा सब चिल्लाने लगा, उसको मैं पकड़ पकड़ के बाहर निकालने लगा। क्या आप डिमांड करेंगे, जो ये हादसा हुआ बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ, जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए? डिमांड में तो साहब सबको सजा मिले और इनको सब मर गया उसको न्याय मिले। तो देखा आपने शाहरुख ने कैसे अपने परिवार को ढूंढने गए थे, उनका परिवार तो उनको नहीं मिला, लेकिन कई लोगों के जीव बचा के उन लोगों में उसने अपना परिवार ढूंढा और अपने परिवार को छोड़ के उसने अन्य परिवारों को बचाया। शायद 20-25 लोगों को बचाया होगा, बात करें तो 20-25 की संख्या होती है, लेकिन एक परिवार में एक लोगों की गिनती करें तो 20-25 परिवार होते हैं। तो शाहरुख ने करीब 20-25 परिवारों को आज जिंदा रखा है। इनके जज्बे को सलाम, जनजवार इनके जज्बे जो सलाम करता है। मारू नाम कुरेशी अलवी रहीम भाई छे। हूँ अमे तो मारी मजा ना झूलता पुल में जाता था, तो अचानक पुल पड़ी गयो, एमा हूँ आखी पड़ी गई, मार माथे झूलता पुल आखी झारी आवी गई। तो हूँ मने एम थू के मारू पति ज गयो, हूँ मरी ज गई, पण तो अमारा मोटा पीरे बचावी लीधी मने। तो हूँ आम बहार आवी गई आम झारी पकड़ीने, तो बाजू में मार जोयुं तो मारी बहन हती अहींया, पछी एमना छोकरा आम तरता हता एना, तो अमे बे बचाव्या अहींया, पची बेने बचाव्या। तो कोई बेन तरता था, तो कोई बेन ने लेता ना, तो अमे लेवा जाए तो अमारा छोकरे पड़ी जाए हेठा। तो आ बधे ओर एवा कंपनी वाला ने सजा मळवी ज जोई, बधा बधाने पकड़े तो एने केम नत पकड़ता। પણ અત્યાર સુધી તો એવું જ થયું છે કે જે ક્લાર્ક છે એને સિક્યુરિટી એને જ પકડે છે, આ મોટા જે મોટા મગરમચ્છ છે એને બચાવે છે એવું તમને લાગે? હા, એને બચાવે જ છે, નતર અત્યારે લગે પકડાવવા જોઈએ, કેમ પકડાવી નો ગયા જીમી, કેમ એ લોકો મોદી સાહેબ ના હગા થાય છે એ, તો એને કોઈ પકડતા નથી, ચાર દિવસ થઈ ગયા બધા અમારા ઘરના ગુજરી ગયા, તો એ તમે કેમ પકડી નથી શકતા એમને હજી લગીન? તમે શું ડિમાન્ડ કરશો? એમને ન્યાય મળવો જોઈએ, એટલા ગુજરી ગયા છે એને અમારે સહાય નથી જોઈતી, એમને ન્યાય જોઈએ છે, કે તમે એને પકડો ઓર એવા કંપની વાળાને કે અમને ન્યાય મળે। બધા એમ કે છે કે ઝૂલતા પુલ આ કલેક્ટરને ખબર નથી કે ઝૂલતા પુલ ચાલુ થઈ ગયો, તો ચાર દિવસ થયા તો હતા ક્યાં, કે ખબર નથી કે ઝૂલતા પુલ ચાલુ થઈ ગયો, ખબર નથી એને, ઝૂલતા પુલ તૂટી ગયો તો કદાચ બધા એમ કહે કે ટિકિટ ફાડવા ટિકિટ જ ફાડે છે હજી, અને આટલું પબ્લિક છે તો એને ખબર પડવી જોઈએ ને કે આટલા બધાને ટિકિટ ન દેવાય, આપણે એટલી તો ભાન હોય કે ન હોય કોઈને, અમે અમારી જાતે જ બચ્યા છીએ, અમે કેમ બચ્યા છીએ અમને જ ખબર છે કે કેમ અમે બચ્યા। પછી મને દોઢ કલાક અમે એમાં એમાં બેઠા રહ્યા, પણ કોઈ नहीं, अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया, हम सब इंजर्ड है, सबको लगा है, और मेरी 7 साल की बेटी है ना, वो तो कांप उठती है झूलता पुल के नाम से, वो कांप उठती है, बोलती है कि मम्मा हम अगली बार कभी भी मोर भी नहीं आएंगे, नाना के घर तुम बोलना ही मत। मेरी बेटी तो है ने, मैं ऐसे बोलती हूँ ना तो कि तू मम्मा तू तो रोने लगती है, तू मम्मा अभी हम दूसरी बार नाना के घर नहीं आएंगे। अभी तो मेरी बेटी छोटी है, नाना के घर जैसी है, फिर भी बोलती है, तो हमें इंसाफ सर चाहिए, हमारी आवाज है ने मोदी जी तक पहुंचनी ही चाहिए। 15 रुपये टिकट थी तो 17 रुपये क्यों ली इसने? ये 12 रुपये ही थी ये, नहीं एक भाई आया था तो ये कहता था 15 रुपये टिकट है, तो ये 17 रुपये अमे एम बोला कि भाई कहाँ 20 रुपये टिकट राखो, कहाँ पची 15 राखो, तो तमें 17 केम लियो छो? तो कोई जवाब ज न दीदो, टिकट फाड़, पर टिकट वाला कोई वाँक नहीं, झूलता पुल झूलवा वाला कोई वाँक नहीं, वाँक आ कंपनी वाला है, ये 2 करोड़ रुपये नाखा तो 2 करोड़ नाखा क्या, एने पकड़ो, टिकट वाला ने शू लेने पकड़ो छो? अत्यारे गुजरी गया एने कोई पूछवा तो कहीं आयुज नहीं, 4 लाख रुपये दें बधाई ने मोढ़ा बंद कर देवा, बधाई ने शू मणस पाछा आ जाए, એમને 2 કરોડ નું બનાવ્યું તેને 2000 ની સિક્યોરિટી તો રાખવી હતી, એમાં કેમ નો રાખી એને? तो यह सुनी दुखद दास्तान मीरा परिवार की। पूरे मोरबी शहर में ऐसे कई परिवार हैं जिनके चिराग ऐसे ही बुझे हैं। इस परिवार में दोपहर को खुशी का जो वक्त चल रहा था, खुशियां चल रही थी, सभी लोग झूम के नाच रहे थे, शाम को उसी घर में मातम मनाया गया। किसी और की गलती की सजा ये छोटे बच्चे भुगत रहे हैं, यह बच्चे भी कैसे बचे हैं, उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई, शायद ऐसी दास्तान भगवान किसी के साथ ना करे, लेकिन इनका यह मानना है कि इनके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जो ओरेवा कंपनी वाले हैं जिन्होंने इस पुल का निर्माण किया उनसे उनको सजा मिलनी चाहिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, जनजवार के लिए मेरे साथी सहयोगी जावेद समा के साथ मैं दत्तेश भावसार।
जन ज्वार जनता की मीट।